लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हिजबुल्लाह का इसराइल पर हमला, खेत में इसराइली सैनिकों को बनाया निशाना, हमले का वीडियो किया जारी। दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह का इसराइल पर हमला, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मस्जिद में छिपकर इसराइली ठिकानों पर की गोलाबारी। इसराइल की वायुसेना का लेबनान पर जबरदस्त हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। गाजा में हमास इसराइल के बीच भीषण जंग जारी, हमास ने इसराइली बख्तरबंद सैन्य वाहन को बनाया निशाना, हमले में सैन्य वाहन तबाह, हमले का जारी किया वीडियो। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस नगर पालिका पर इसराइली सेना का कब्जा, कब्जे के बाद सभी पार्किंग से हटवाए वाहन, सभी टिकट रद्द किए। ईरान की सेना ने जारी किया नेतन्याहू की हत्या का एनिमेशन वीडियो, एनिमेशन के जरिए दिखाया कमांड सेंटर में बैठे नेतन्याहू की बम धमाके में मौत। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा युद्ध में अब तक 20,900 लोगों की मौत, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग घायल। इसराइल का दक्षिण लेबनान के साहेल अल कैला में हमला, अटैक में एक सैन्य वाहन तबाह, हमले के बाद धू-धू कर जला वाहन। मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव की आशंका, ईरान समर्थित सैन्य गुटों पर हमले करेगा अमेरिका, व्हाइट हाउस से आया बड़ा फैसला। हमास के हमले में मारे गए शख्स की इसराइल ने की पहचान, आईडीएफ को घटनास्थल के पास से बरामद हुआ विस्फोट। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, कार्यक्रम में देश भर के हजारों लाभार्थी के साथ केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक होंगे शामिल। पुंछ में आतंकी हमले के बाद आज जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बुफलियाज और डीकेजी इलाकों में सुरक्षा हाई अलर्ट। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जांच में दो संदिग्ध नजर आए, पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी। इजरायली दूतावास धमाका मामले में पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक लेटर बरामद किया, लेटर में एक झंडा भी लपेटा हुआ है। इजरायल दूतावास पहुंचे दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग के बड़े अधिकारी, घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच की। पीएम मोदी ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की फोन पर बात, इसराइल गाजा वॉर और पश्चिम एशिया के हालात पर की चर्चा, बोले रणनीतिक साझेदारी पर अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सीएम मोहन यादव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर दी बधाई, ग्वालियर के ताल दरबार कार्यक्रम में 1,282 तबला वादकों ने दी थी प्रस्तुति। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाया, कहा राहुल गांधी से हुई ये बात, अभी समझ रहे तकनीकी खामियां। इंदौर में गाय के बछड़े का शव मिलने से इलाके में सनसनी, बजरंग दल का कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा गोवर्धन पहुंची, कड़ी सुरक्षा के बीच बेटे के साथ दंडवत परिक्रमा करती नजर आई। इसराइल पर हमास का जबरदस्त पलटवार, हमास लड़ाकों ने इसराइली टैंक को आईडी से उड़ाया, हमले का वीडियो किया जारी। साउथ गाजा के खान यूनिस में इजरायली फोर्स का हमास ठिकानों पर जबरदस्त हमला, आईडीएफ ने हमास ठिकानों को ध्वस्त किया। गाजा में इजरायल की नाहल ब्रिगेड का विध्वंसक हमला, दो स्कूलों में की बमबारी, हमले में कई लड़ाकों की मौत। हमास के शहीद अली मुस्तफा ब्रिगेड ने आईडीएफ के कब्जे वाली जगहों पर मोर्टार से की फायरिंग, मोर्टार हमले का हमास ने वीडियो जारी किया।